यहां पे हमें बताना है रिलेशन आर ये गिवन है बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं ठीक है एक्स कॉमा वाई टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन डेली इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इन बॉम्बे यानी यहाँ पे गिवन है एक्स कॉमा वाई एक्स लेस देन वाई ठीक है बस बेसिकली यही है मतलब यही रिलेशन है तो ये मेरा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव के लिए अब रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए अब एक्स लेस देन एक्स तो नहीं हो सकता ठीक है लेस देन बोला है लेस देन इक्वल नहीं बोला क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर भी होगा ठीक है अब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब एक्स लेस देन वाई है और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है मतलब y अब दोनों तो ट्रू नहीं हो सकते अगर एक्स लेस देन वाई तो मतलब वाई ग्रेटर देन एक्स होगा मतलब ये गलत है तो मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है ये ठीक है ओके नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक तो डी वैसे ट्रांजेटिव भी नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं ठीक है एक्स वाई एक्स अच्छा ट्रांजेटिव के लिए क्या होता है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ये वाई जेड बिलोंग्स टू आर और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है ना तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स लेस देन वाई होना चाहिए वाई लेस देन जेड होना चाहिए मतलब ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पर एक्सेड बिलोंग्स टू तो आर होगा यानी एक्स लेस देन जेड होगा एक्चुअली ये सही है ये हमेशा होगा तो ट्रांजेटिव तो है ये पर क्योंकि ऑप्शन में ट्रांजेटिव की बात नहीं हो रही थी ये ऑप्शन था एक तो करेक्ट आंसर में डायरेक्टली मार्क कर दी ठीक है पर ट्रांजेटिव है ये